रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि बरसात के साथ आया अंधड़ व झखड़। घटसाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बादलवाही चलती आ रही है एवं बरसात भी हो रही है। इसी के चलते मंगलवार दोपहर को आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मंगलवार शाम को करीब 8 बजे तेज आंधी के चलते तेज झखड़ शुरू हो गया। इसी दौरान तेज झखड़ के साथ बारिश शुरू हो गई और इसी के चलते रात भर बारिश जारी रही एवं आज बुधवार सुबह भी बारिश जारी थी। बारिश का पानी सड़कों पर इकट्ठा होने से सड़कों पर जलमग्न हो गया एवं तेज अंधड़ से कई स्थानों पर नुकसान की संभावना भी बनी हुई है। घटसाना में खुली 50% दुकानें दिखी चहल पहल। बाजार में आने के कुछ हद तक खोले रास्ते। पुलिस निभा रही है अपनी ड्यूटी बखूबी। घटसाना क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा नाकाबंदी कर सख्ताई बरती जा रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा घटसाना मंडी के बाजार आने के सभी रास्तों को बंद किया गया तथा लोगों से समझाइश की गई कि अपने वाहन नाकाबंदी के बाहर खड़े कर पैदल जाकर सामान लेकर आवे। इसी के चलते राज्य सरकार के आदेशों पर बाजार में 50% दुकानें खोली गई हैं। पुलिस द्वारा आज बुधवार को बाजार में आने के कुछ हद तक रास्ते खोले गए हैं एवं कई रास्तों पर अभी भी नाकाबंदी जारी है। इसी के साथ साथ आज लॉकडाउन के चलते पहले दिन सैलून व नाई की दुकानें खुली। प्रशासन द्वारा 50% दुकानें खोलने की अनुमति देने पर बाजार में चहल पहल के चलते बिक्री होने पर दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं।